आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी जो है वो 6 o'clock का टाइम है और मैं यहाँ गार्डन में बैठी हूँ इस टाइम पे। और अभी जो है वो हम लोगों का प्लान है कि हम लोगों ने जाना है जिस शहर, बिकॉज़ अम्मी की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक। उनको शायद कोई मसल पेन हुई है, जो पिछले दिनों मुझे भी थी, पर मैंने जो है वो अम्मी ने बाम वगैरह लगाई थी और मैंने रूफन की जो है दो दो गोलियां खाई, तो फिर मेरी दर्द जो है वो बहुत बेहतर हो गई। और वेलकम टू माय चैनल। और अभी जो है आप लोगों के साथ ये शाम के टाइम पे शुरू कर रही हूँ मैं ब्लॉग, तो इंशाल्लाह कल तक चलेगा। और साथ साथ रहिएगा किस तरह कैसे सारा डे मैं आप लोगों के साथ स्पेंड करती हूँ, और फिर रात आएगी फिर सुबह आएगा। तो लेट्स गो गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी जो है वो 2 o'clock का टाइम हुआ है और अभी तक मैं नहीं सोई, क्योंकि हम लोग चले गए थे जी शहर, और उधर हम लोगों को लगी बहुत देर क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो पहले डॉक्टर के पास जाना था, उसके बाद हम लोग चले गए हार्डीज़ चले गए थे पहले, उसके बाद हम लोग चले गए मैकडोनल्ड्स, और उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम ली, उसके बाद हम लोगों ने ताबिश बिरयानी ली, और उसी में इतना टाइम लग गया कि हम लोग 11 o'clock घर वापस आए। और उसके बाद जो है वो 11 o'clock आए, तो मेरा ये कोशिश थी कि मैंने बेटे को फौरन बेड पे मतलब सुला दूं, क्योंकि मेरा 10 o'clock मेरी अब है कि मैं उसको 10 o'clock पे ले जाऊं ताकि वो जल्दी सो जाए और सुबह जो है वो जल्दी उठ जाए। और मेरे हल्के भी शायद इसी वजह से हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी नहीं सोती, और मुझे अभी भी सच बताऊं तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिकॉज़ सारा दिन में तो मैं पानी नहीं पी पाती, तो अभी जो है वो मेरे पास टाइम होता है पानी पीने का, और मैं रात को प्रेफर करती हूँ। इवन दो लोगों को लगता है कि रात को पानी पीने से क्या होता है कि आप लोग नींद में भी बंदा बहुत ज़्यादा उठता है और वॉशरूम जाता है, पर मेरे ख़्याल से मैं जो है वो रात को पानी पी लेती हूँ, और जितना पानी पी सकती हूँ मतलब जब तक मैं जागी भी होती मैं पानी पीती हूँ। तो ये मैंने टारगेट रखा हुआ था कि मैंने ये पीनी है, और लेट्स सी कि मैं कितने तक पी पाती हूँ। जितनी भी पी पाई अभी तक मतलब हाफ़ पे मैं हूँ, अभी हाफ से थोड़ा नीचे हूँ, तो लेट्स सी कि कितनी पी लेती हूँ सुबह तक। सुबह उठ उठ के भी पीने की कोशिश करूँगी, और वैसे भी जो है वो पीऊँगी पानी इंशाल्लाह। और बाकी जो है वो उसके हिसाब से, कल का भी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कल क्या करना है क्या नहीं करना, और अभी तो सिर्फ और सिर्फ यही सोचा है कि जो बेटे की साथ जो एक्टिविटीज़ या जो खेलना वगैरह है या जो मतलब उसके साथ करना है वो करना है, और कपड़े जो हैं वो धोने वाले हैं मेरे बेटे के, और वो धुलवाने हैं, अपने कपड़े देने हैं, इस्त्री करवाने हैं, और मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स, मतलब इतना कोई स्पेशल नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह लाइट ठीक हो गई है, बहुत शुक्र है अल्लाह का, और अब लाइट आ गई है, पानी भी, इधर से बात है मोटर चलेगी तो पानी आएगा, पानी भी आ गया है, तो अल्लाह का शुक्र है, वो उस तरफ से मैं बिल्कुल अब परेशान नहीं हूँ। और बाकी अम्मी की तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर है गाइस, अभी उन्होंने मेडिसिन वगैरह लेनी शुरू की है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और बाकी जो है मुझे अभी अपनी रात की मेडिसिन लेनी है, और वो मैं अभी लूँगी, क्योंकि मेडिसिन दिन में मैं 2 बार लेती हूँ, तो अभी वो लूँगी। तो इंशाल्लाह गाइस आप लोगों से सुबह बात होगी, तो स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन द मॉर्निंग, सो गुड नाइट एंड बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड आफ्टरनून, और अभी जो है वो आफ्टरनून हो चुका है एंड आई एम रेडी, और ये वाले जो है वो मैंने सूट जो है वो पहन लिया है, और बेटे को खुद को भी मैंने जिगर दिया है तैयार, और ये भी है तैयार, आप लोग देख सकते हैं कि ही इज़ रेडी फॉर द डे। और अभी का जो ये प्लान है कि वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम आज कहीं पर भी नहीं जा रहे, बिकॉज शुक्र है आज लाइट भी नहीं गई, और अभी हम लोगों ने दोपहर को जो है वो आज भी हम 1 o'clock उठे हैं, आई डोंट नो व्हाई ये 1 o'clock क्यों उठा है, क्योंकि ये सो तो बहुत जल्दी गया था, 11 o'clock ही बिल्कुल सो गया था, और उठा जो है वो 1 o'clock है, और आप लोगों को पता ही है जब ये उठता है तो फिर मैं भी उसी वक्त फ़ौरन उठ जाती हूँ, चाहे ये जल्दी उठे चाहे देर से, तो फिर जो है
मुझे भी जितने बजे मैं उठी हूँ, तो फिर क्योंकि रात को मैंने मेडिसिन ली हुई थी तो मुझे सुबह बहुत ज़्यादा भूख दोपहर को लगी हुई थी, तो मैं नीचे गई हूँ तो अम्मी ने करेले बनाए हुए थे और साथ थी जी तंदूर की रोटी, वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी बिकॉज उस टाइम बहुत ही डाउन फील कर रही थी, तो मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं वीडियो वगैरह बनाई। और अभी जो है आप लोग देख सकते हैं कि हम दोनों रेडी हैं और अभी मैं इसको जो है ये अभी ये कलरिंग पे लगा हुआ है कुछ देर के लिए, काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने कर ली हैं और मैं यही सोच रही थी कि कब वीडियो बनाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसको टाइम देती हूं और बाद में आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो वगैरह शेयर करती हूं। अभी जो है वो क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, हो रही है अभी इस टाइम पे, फातिमा आई भी है और वो कर रही है अपना जो भी करती है थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लेती है, तो वो फिर थोड़ा बहुत लगी हुई है करने और साथ साथ जो है वो मैं इसके साथ भी लगी हुई हूँ, साथ साथ मैं उसको भी देख रही हूँ और साथ साथ जो है वो बाकी है कामों को अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मेरा कोर्स वर्क बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, पेंडिंग हो गया और इसके चक्कर में जो है वो मैंने कोर्स वर्क भी बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस टाइम, और अभी मुझे उसको भी ध्यान देना है और साथ में जो मैं छोटा मोटा जो काम करती हूँ वो भी जो है वो मुझे उसको भी देखना है। और लेट्स सी गाइस को किस तरह होता है आज का सारा काम। करेले मैंने खाए थे, करेले गोश्त, और इतने मज़े के करेले गोश्त थे कि आई कांट टेल यू। और यहाँ पर अभी जो है ये वाला जी टीवी है जो टूटा हुआ है, और इसको वैसे देखने में तो ये टूटा हुआ नहीं लग रहा, पर जब आप इसको ऑन करें तो फिर ये टूटा हुआ होता है। और यहाँ पर इसकी मस्तियाँ देखें ज़रा, और बस अभी जो है वो इस पे बिज़ी है, पहले मैंने बिल्कुल एक प्लेन पेज था। और यहाँ पर जो है वो जेम्पोलिना के अंदर हवा बहुत कम हो गई थी, हम लोगों ने हवा डाली है और यहाँ पर ट्रॉयज़ पड़े हुए हैं और ये फातिमा जो है अपने काम करती हुई जा रही है यहाँ से वहाँ। और बाकी अभी एसी को जो है वो मैंने 25 डिग्रीज़ पे किया हुआ है, हम मुझे तो इतनी रात को ठंड लग रही थी यकीन जाने कि बस पूछे ही ना। और फिर भी मैं जिस चीज़ खैर नहीं रह पाती वो ये है कोक, और ज़ीरो शुगर है और मैंने ले ली है और मैं इसको जो है वो पीने की जो है कोशिश में लगी हुई हूँ। बाकी होल जो है वो कभी अंदर आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी इसको क्या करना है, कभी इसको क्या करना है, और ये भी रेडी होया हुआ है पर अभी जो है हम कहीं नहीं जा रहे, तो यहाँ वहाँ फिर रहा है। और व्हाट आर यू डूइंग हर, आरा फातिमा इधर से फिर उधर। बिल्कुल ही पहले प्लेन पेज था जिस पे मैं इसको करवा रही थी, अब जो है वो मैंने इसको कलरिंग बुक ला के दिया तो बस वो कलरिंग बुक को सीने से लगाया हुआ है और कभी इधर और कभी उधर। तो लेट्स गो गाइस, अभी जो है वो अभी तक की इतनी ही अपडेट है, इंशाल्लाह जिस तरह आगे डे गुजरेगा शाम का देखें क्या प्लान होता है। और अम्मी की तबीयत अब थोड़ी बेहतर है पर अभी भी पेन है और मेडिसिन जो है वो ले रही हैं। तो लेट्स सी गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो लेट्स गो।